ये थोड़ा हमारा पैकेजिंग एरिया है, कोई भी टैबलेट जो बन गया या चूर्ण बन गया तो एक निश्चित क्वांटिटी चाहे 250 ग्राम का हो या 500 ग्राम का हो या 1 kg का, लेने के बाद हम इसको पैकेज करते हैं और उसको फिनिश प्रोडक्ट स्टोर में, ये हमारा ये फिनिश प्रोडक्ट एरिया है। आप ये जितने भी देख रहे हैं आफ्टर पैकिंग एक डिब्बे कंटेनर में उसको स्टॉक किया गया है ताकि यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है फोर मंथ, इसलिए सभी पर्टिकुलर ड्रग को रखा गया है, अलग अलग ड्रग का अलग अलग आफ्टर प्रिपरेशन स्टॉक किया गया है सेपरेट सेपरेट कंटेनर में। जैसे बहुत सारे हमारा गुगलू प्रिपरेशन है, जैसे रासना गुगलू देख रहे हैं, सिमनाथ गुगलू देख रहे हैं, गोक्षुरादी देख रहे हैं, अमृतोत्तर नहीं ये योगराज गुगलू है, इस तरह से लगभग 10-12 गुगलू प्रिपरेशन है। इसी तरह बहुत सारे पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं, बहुत सारे टैबलेट फॉर्म में, रसौधि भी हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो ये अलग अलग सभी का अब ये गंधक रसायन आपको बताए थे कि सामान्य गंधक का 50 rupees है, शोधन के बाद 1200 rupees होता है और गंधक रसायन का कॉस्ट नियर अबाउट 5000 rupees हो जाता है। तो ये गंधक रसायन का प्रयोग स्किन किसी भी तरह का स्किन डिसऑर्डर्स होगा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। इसी तरह बहुत सारे इस तरह हमारा कषाय और तेल प्रिपरेशन का भी 100 और 200 ml का पैकिंग है। ये च्यवनप्राश का यूज किया गया है, ये च्यवनप्राश का हमारा यही पैकिंग है 100 ग्राम का, सॉरी 1/2 kg का, ये पैकिंग करके हम हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट एरिया हो गया। सर अभी जब मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं शास्त्रोक्त फॉर्मुलेशन शास्त्र से ही लेते हैं ज़्यादातर, कुछ फार्मेसिस्ट का कुछ पर्टिकुलर चॉइस ऑफ टेक्स्ट रहता है, चॉइस ऑफ लाइक कुछ केरला वाले का प्रिपेयर करते हैं, सहस्र योग अष्टांग हृदय से कुछ रेफरेंसेस लेके मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, आपका ऐसा कोई फेवरेट एरिया ऑफ रेफरेंस है सर? मतलब कोई टेक्स्ट से ही ज़्यादातर हम लोग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं या आप कैसे डिसाइड करते हैं कहाँ से लेना है? क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट सेम फॉर्मुलेशंस को डिफरेंट तरीके से बनाने का कोई विधान होता है, सो आप उसका फाइनल डिसीजन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेना है, क्या करना है, आपका कोई फेवरेट चॉइसेस है क्या? सो मतलब ज़्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स कौन सा रेफरेंसेस से बनता है? सो मुझे पता है कि एक ही रेफरेंस में सभी नहीं मिलता है, सो इट इज़ स्कैटर्ड, हमारा रेफरेंसेस स्कैटर्ड है, लेकिन आपका प्रेफरेंशियल एरियाज कौन सा है, प्रेफरेंशियल टेक्स्ट स्ट्रेटाइजर्स रेफरेंसेस कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे ग्रंथ जो है उसकी जो ऑथर है वो डिफरेंट पार्ट से आने वाले हैं, जैसे वैश्य रत्नावली के ऑथर है वो बंगाली कल्चर से, इसी तरह बहुत सारे। दूसरी बात सहस्र योग उसमें 1000 preparation का तो नाम आया है, लेकिन जब आप श्लोका देखेंगे और उसका प्रिपरेशन का नाम देखेंगे तो बहुत सारा लैंग्वेज जो है शब्दों का नाम जो है मलयाली लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे पट्टम चुक्का आदि तैल, कोट्टम मीन से कुष्ठ, चुक्का मीन से सुंठी आदि तैल। वो नॉर्थ वाले को पता ही नहीं चलेगा ये कोट्टम चुक्का आदि है क्या, लेकिन उसी को अगर कुष्ठ सुंठी आदि कहा जाए तो फेमस है। तो नाम वही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और सिनोनेम का जो मलयाली लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है, इसलिए जो केरला ट्रेडिशन करते हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है, ड्यू टू उसका जो सिनोनेम मलयाली लैंग्वेज में है इसलिए उसका ज़्यादा यूज वहाँ पे करते हैं। आप नॉर्थ साइड जाएंगे तो वैश्य रत्नावली का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। तो एरिया विशेष में अलग अलग ग्रंथ की प्रायोरिटी है, और कोई ग्रंथ एरिया विशेष का नहीं है, वो आयुर्वेद का है, कोई भी ग्रंथ वो आयुर्वेद का है। एक एग्जाम्पल मैं पट्टम चुका दी का बताया, इरिनील कोलंबो आई में एक प्रिपरेशन होता है जिसको मलयाली में क्या कहते हैं, और उसी को दूसरे लैंग्वेज में नारी के लड़सक क्रिया, तो ये शब्दों का खेला है और शब्दों के भिन्नता से होने से कारण बहुत सारे मलयाली के नाम होने के कारण मलयाली वाले उसको ज़्यादा यूज करते हैं और प्रचलन में लाते हैं। और सहस्र योग जो है वो एक दो बुक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सहस्र योग 4-5 मिलेंगे अलग अलग क्षेत्रों में सबका। अभी दिल्ली से पब्लिश्ड है एक सहस्र योग है, उसका कॉस्ट 125 rupees था लेकिन आउट ऑफ प्रिंट था, कॉस्ट कुछ नहीं है। तो एरिया विशेष से अब देखेंगे लैंग्वेज के कारण लोगों को उससे नज़दीकता रहती है,
नॉर्थ में ज़्यादा भैषज रत्नावली का प्रयोग होता है, इधर ज़्यादा सहस्र योग का प्रयोग होता है, साथ ही साथ अष्टांग हृदय का, अष्टांग संग्रह का ज़्यादा यूज करते हैं। तो एरिया विशेष में लैंग्वेज के कारण अपने अपने शास्त्रों के नज़दीक लोग आने का प्रयास करते हैं, समझे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको है जो आप उसको जानते हैं, ड्यू टू नेम आपके माइंड में होता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन हमारे यहाँ आपका प्रेफरेंशियल कौन सा है सर, कहाँ से आप? फॉर्मुलेशन से हम ज़्यादातर योग रत्नाकर का यूज़ करते हैं, भैसर रत्नावली का यूज़ करते हैं, सहस्र योग का यूज़ करते हैं और भैसर संहिता का यूज़ करते हैं। क्योंकि आप सहस्र योग में देखेंगे एक ही प्रिपरेशन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, प्रसारणी तैल, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स। अब इतना बनाना छोटे मोटे फार्मेसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आप इंग्रेडिएंट वाइज देखेंगे तो एक दो इंग्रेडिएंट का आगे पीछे होता है, लेकिन उसमें सेलेक्ट करना चाहिए कि बेटर कौन सा हो सकता है, नंबर वन या नंबर टू या नंबर थ्री, उसी द्रव्य का प्रयोग, उसे प्रिपरेशन का प्रयोग करना चाहिए। बुक में तो बताया गया बहुत सारे चीज़। अब श्वास कुठार रस लेंगे, 6-7 रेफरेंस मिलेंगे। सिमन आज गोगुरु लेंगे, 8 रेफरेंस मिलेगा। लेकिन हमें इजी हो, और दूसरा बात रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो और इजी हो, इसे चीज़ को लेना है। इजी नहीं भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है तो इसे द्रव्य का, वैसे प्रिपरेशन का अनुकरण, केवल नाम पे नहीं भागना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड है तो उसका यूज करना चाहिए।